गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के व्यस्त होंगे। तो हम जो है वो आपदा प्रबंधन चैप्टर जो था आपका, जो आपदा से रिलेशंस था आपदा प्रबंधन का, तो हम उसको पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या करेंगे कि आपदा प्रबंधन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अगर याद किए होंगे आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वह क्या होगा, आप हम मतलब भैया आपका क्वेश्चंस करेंगे और आपको क्या करना है, आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वह यह है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, सॉरी, हाँ चलिए, तो यही है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, यह है क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सुनामी है, जो बाढ़ है और जो भूकंप है, ठीक है, तो यह सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और जो आपका यह आतंकवाद है, यह मानव कृत आपदा है। तो इसमें सवाल आपसे सवाल क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपका जो आतंकवाद है वह आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आतंकवाद, क्या हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा मानव कृत आपदा है। इसका ऑप्शन है संप्रदायी दंगे, महामारी, आतंकवाद, इनमें से सभी। तो देखिए, संप्रदायी जो दंगे होते हैं, मतलब आसपास के इलाकों में जो लोग होते हैं वो अपने आप में मारामारी कर लेते हैं, वो क्या हुआ, मानव कृत आपदा हुआ। आतंकवाद जो फैलाते हैं लोग, वह क्या हुआ, मानव कृत आपदा हुआ। उसके बाद महामारी जो हो गया, वह क्या हुआ, क्या हुआ, मानव कृत आपदा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। क्या पूछा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यह जो सवाल है आपको 2015 में, 2018 में, 2020 में पूछा है। ठीक है, तो 2023 मतलब 24 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सुनामी जो है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, इसका ऑप्शंस आपके पास है, समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्र में जब भूकंप आता है, हमने क्या बताया था आपको क्लास में कि जब समुद्र के तली में, तली किसको कहते हैं, तो जो समुद्र का सबसे निचला भाग होता है उसको हम लोग तली बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा डर दर्द कर रहा है, ठीक है, बैठे बैठे, ठीक है। देखिए, जो समुद्र का सबसे नीचे वाला तली जो होता है, वहां पर क्या होता है कि धरती जब मतलब वहां पर भूकंप आता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तरंगों का कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। और वहां से जब, अच्छा एगो चीज आप लोग देखिएगा कि जब आप एगो ढेपा लेकर के और पानी में जब भिगिएगा तो वहां पर कंपन होता है। क्या होता है, कंपन, मतलब देखिएगा कि जब गंगा जी में कंकड़ को भिगिएगा, ठीक है, तो वहां पर मतलब वाइब्रेट टाइप का क्या होगा कि बीच से एक, वो बीच से मतलब गोल गोल टाइप का ऐसे ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, निकलेगा। तो उसमें अगर उसी चीज को बड़े पैमाना पर देखा जाए तो उसी को सुनामी कहते हैं। अब कैसे समझेंगे, तो देखिए जो भूकंप मतलब समुद्र के तली के अंदर जब भूकंप या तरंग उत्पन्न होता है, तो वहां से क्या होता है कि एकदम विस्फोट होता है। और विस्फोट होता है तो पानी के बीचों बीच विस्फोट होगा, तो क्या करता है, सभी पानी को आसपास के इलाकों में क्या करता है, छितिर बितिर मतलब क्या करता है, फैला देता है। और वो पानी जो होता है तट रेखा मतलब समुद्र का जो तटीय क्षेत्र होता है, ठीक है, वहां से जाके टकराता है और आसपास का जो इलाका होता है वहां पर जलमग्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपका चौथा नंबर सवाल जो है पूछ रहा है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। ठीक है, ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ओजोन परत का क्षरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, चलिए पांच नंबर सवाल है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। चलिए अभी से हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन देने के लायक रहेगा उसको ऑप्शंस देंगे, और जो ऑप्शंस के लायक नहीं रहेगा उसमें हम ऑप्शंस नहीं देंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस बोलेंगे। अगर आपको पता रहेगा तो मन में बताइएगा कि हाँ ये होगा, अगर नहीं पता होगा उस मतलब प्रश्न का उत्तर, तो आप लोग क्या करिएगा, हम बोलेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि आपदा क्या है। तो आपदा क्या है, हम लोग देखे थे कि आपदा क्या होता है, लेकिन इसके अनुसार है, प्राकृतिक आपदाओं में दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। पूछ रहा है आपदा प्रबंधन, सॉरी, पूछ रहा है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन क्या होगा कि आपदा को बचाना, ये आपदा प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है, चलिए पांच नंबर सवाल आप लोग देख लिए। छह नंबर सवाल है, इनमें से कम विनाशकारी, पूछ रहा है इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सा है। आपके पास मतलब इसमें तो ऑप्शन दिया जाएगा, भूस्खलन है, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कम विनाशकारी जो आपदा है वो कौन सा है,
भूसंकलन है। क्या है? भूसंकलन। आपको अच्छी तरीके से समझा दिए थे कि पहाड़ों को बीच से काट करके क्या किया जाता है, मतलब हाईवे या फिर रोड बनाया जाता है, और उसी रोड को जब बनाया जाता है तो वो क्या कराया जाता है, पहाड़ को काट दिया जाता है और पहाड़ कभी भी गिर सकता है। तो इसको यह कौन सा आपदा हुआ? प्राकृतिक आपदा हुआ। ठीक है, आपको बाढ़ बताए थे। बाढ़ में क्या बताए थे कि जब वर्षा की अधिकता होती है, मतलब अधिक वर्षा होने के कारण नदियों का पानी औसत जल स्तर से ज्यादा हो जाता है, तो आसपास के जो जल, मतलब आसपास के जो इलाके होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। आप लोगों को ये भी बताए थे कि बाढ़ कब कब आया था, तो 1934 सॉरी 1987 ईस्वी और 2008 ईस्वी में भयंकर बाढ़ आया था। और सुनामी कब आया था, तो दिसंबर में आया था। दिसंबर में कौन सा मतलब साल था, तो दिसंबर 2004 में आया था। क्या आया था? सुनामी। और कहाँ पर आया था, तो पश्चिमी बंगाल में आया था। कब आया, कहाँ पर आया था, पश्चिम बंगाल में। कब आया था, तो 2004 में आया था दिसंबर के समय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और क्या समझ गए? सुखाड़ कब आया था, सुखाड़, सुखाड़ याद, सुखाड़ कब आया था जल्दी बताइए, सुखाड़, सुखार लगभग 2000, अच्छा 1934 में क्या आया था, 1934 में भूकंप आया था। क्या आया था? भूकंप आया था। उसके बाद 2008 हो गया, 2008 हो गया, 2004 में तो सुनामी आया था, 2008 में क्या आया था, 2008 में बाढ़ आया था। ठीक है, ठीक है, सुखार अगर आएगा क्वेश्चंस में तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से उतर गया, उसको याद किए हुए थे। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा विनाशकारी आपदा है, मतलब विनाशकारी आपदा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, भूसंखलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूसंखलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। पूछ रहा है बंगाल का जो चक्रवात होता है वह किन महीनों में, मतलब भयानकार होता है, मतलब भयंकर, भयंकर जो होता है वो किन महीनों में होता है। तो आपको याद रखना है अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। पूछ रहा है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो इसको क्या याद रखेंगे कि नदियों के दोनों तरफ तटबांध बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि नदियों के दोनों तरफ जो होता है, मतलब नदी बीच से बह रहा है, ठीक है, यह नदी बह रहा है, तो इसके इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी क्या करना चाहिए, तटबांध बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, नदी का जो बांध होगा वह टूटेगा नहीं और आपका जो इलाका है वह जलमग्न नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, जल से बच जाइएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, आपके पास ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी। तो यह तीनों जगह पर क्या होता है, क्या होता है, सूखा क्षेत्र माना जाता है। कहाँ कहाँ पर? तो पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक का क्षेत्र, मतलब कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, और एक हो गया पूरा मध्य प्रदेश। क्या होगा? पूरा मध्य प्रदेश। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सूखे के क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, 10 नंबर सवाल है आपका, इनमें कौन क्षेत्र भूसंकलन से अधिक प्रभावित है। भूसंकलन आपको बताए थे, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मतलब जगह है जो भूसंकलन से अधिक प्रभावित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काश्मीर और उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, काश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, मतलब भूसंकलन, तो काश्मीर में बाई चांस क्या होगा, वहां पर पहाड़ होगा, उत्तराखंड में क्या होगा, पहाड़ होगा, तब तो भूसंकलन से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका है कि यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है। आप जो सुनामी देखते हैं तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है कि जापानी भाषा का शब्द है। क्या शब्द, मतलब सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा के प्रभावों को कम करने का कारगर उपाय क्या सा है, मतलब कह रहा है कि मानव कृत आपदा जो है उसको कम करने का कारगर उपाय क्या होगा। तो इसको याद रखना है आपको कि समुदाय जरूरतता पर ध्यान देना। क्या होगा, समुदाय जरूरतता पर ध्यान देना। ठीक है, जागरूकता पर ध्यान देना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप जो है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़ हो गया, तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, याद रहेगा? चलिए, अब पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। क्या पूछ रहा है कि महाराष्ट्र जो है आपका, वहां पर भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कोयला बांध का निर्माण जो है यह आपका मुख्य कारण है, किसका, भूकंप आने का। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भूकंप का जो मापन किया जाता है वह किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग मतलब हम आपको बताए थे पढ़ाई के दौरान
जो आप मतलब जो भूकंप होता है या फिर सुनामी होता है तो उसको हम किस चीज से मापते हैं, मतलब कितना भूकंप आया कितना नहीं आया, तो उसको मापते हैं हम रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर स्केल, रॉ हर्षिकार कॉटो संयुक्त रॉ रिक्टर स्केल से। ठीक है, क्लियर? चलिए यहां तक समझ गए। अगला सवाल आपका है और कि जवाब बिहार में भूकंप कब आया था। प्रश्न है आपका कि बिहार में भूकंप कब आया था। आपको याद रखना है कि 1934 ईस्वी में क्या आया था, भूकंप आया था। ठीक है, 1934 ईस्वी में क्या आया था, भूकंप आया था, अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है। अगला सवाल है कि भोपाल जो है, भोपाल भोपाल गैस गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। पूछ रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वह किस प्रकार की आपदा है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि यह मानव जनित आपदा है, क्योंकि गैस जो होता है वह किसके द्वारा फैलाया जाता है, मानव के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भूस्खलन जो है, भूस्खलन जो है वह किस प्रकार का आपदा है। तो भूस्खलन किस प्रकार का आपदा है, तो भूस्खलन जो है वह मानव जनित्र नहीं है। क्या है? मानव जनित्र नहीं है, वह एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो भूस्खलन आपको बताए थे कि भूस्खलन क्या होता है। ठीक है, तो भूस्खलन क्या होता है, पहाड़ों को काट करके वहां से हाईवे या फिर रास्ता बनाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा कि पहाड़ कभी भी गिर सकता है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित्र आपदा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सामुदायिक दंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सुनामी, क्योंकि सुनामी जो है वह क्या है, मानवकृत आपदा नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ ग्रस्त है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। तो आप लोगों को याद रखना है कि उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। क्या, कौन सा? उत्तरी बिहार। क्या याद रखना है? उत्तरी बिहार जो है आपका वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तीन नंबर सवाल है आपका, मतलब कि अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी में अधिकता बाढ़ आता है। क्या होता है? बाढ़ आता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, मतलब शोक किसको कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बाबू। चलिए अगला प्रश्न है कि बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो क्या हो जाएगा कि बाढ़ जो है आपका प्राकृतिक आपदा है, सभी बच्चे जानते होंगे, इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी नहीं जानेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि जो सूखा सुखार है किस प्रकार का आपदा है। जो सुखार है वह किस प्रकार का आपदा है बाबू? तो सुखार जो है वह आपका किस प्रकार का आपदा है, तो सुखार मानव जनित आपदा है। किस प्रकार का आपदा है? मानव जनित आपदा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सुखार कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। यहां तक बाबू क्लियर है? चलिए अब पूछ रहा है कि सूखे की जो स्थिति होती है वह कैसे आती है। पूछ रहा है कि सूखे की स्थिति कैसे आती है, तो सुखार जो होता है वह धीरे धीरे आता है। कैसे आता है? धीरे धीरे आता है या अचानक नहीं आता है। ठीक है, तो सूखे की स्थिति कैसी होती है, वह धीरे धीरे करके आता है, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, चलिए सात नंबर, मतलब अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। पूछ रहा है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, ऑप्शन है वर्षा की कमी, बाढ़, भूकंप, ज्वालीय मुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षा जब कम जाता है तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, और इसी को सुखार कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्षा की कमी से, मतलब वर्षा अपने औसत वर्षा से जब कम हो जाती है तो आसपास के इलाके क्या हो जाते हैं, सूखे सूखे मतलब हो जाते हैं, और जो मतलब उत्पादन होती है वह कम जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है कि सूखे के लिए जिम्मेवार, आपको बता दिया गया कि सूखे के लिए जिम्मेवार क्या है, वर्षा की कमी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है, मतलब सूखे सुखार से हम कैसे बच सकते हैं, इसका मुख्य तरीका जो है वह क्या है। तो आपको याद रखना है कि वर्षा जल संग्रह करना, क्या है याद रखना है कि वर्षा जल संग्रह करना, इसका मतलब होता है कि जो वर्षा का पानी होता है उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। आपको अब कैसे स्टोर करना है वह अपने तरीके से स्टोर करिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला पानी, मतलब अगला क्वेश्चन है कि कुसहा तटबंध किस नदी पर है। पूछ रहा है आपसे कि कुसहा तटबंध जो है वह किस नदी पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुसहा तटबंध जो है वह कोसी नदी पर है। कहाँ पर है? कोसी नदी पर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि
बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। क्या पूछ रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो कौन सा होगा? 10 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ जो है वह बिहार की एक त्रासदियों समस्या है, मतलब क्या है, इनमें से एक है। ठीक है, तो बिहार में जो बाढ़ है वह मतलब हर साल आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है कि भाखड़ा नंगल बांध जो है वह किस नदी पर है? तो आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से पता होगा कि भाखड़ा नंगल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर है। सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि भाखड़ा नंगल जो बांध है वह कहाँ है? सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि आपका कृषि सुखाड़ होता है। क्या पूछ रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है? 14 नंबर आपका सवाल है कि कृषि सुखाड़ जो है वह होता है तो मिट्टी के नमी के अभाव में। क्या होता है? मिट्टी के नमी के अभाव में। तो कृषि कृषि मतलब कृषि से रिलेशन है, तो जब सुखाड़ आती है तो मिट्टी का जो नमी होता है, नमी मतलब क्या होता है कि मिट्टी में जो पानी की क्षमता मतलब उत्पादन की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? मिट्टी की नमी में कमी होना। ठीक है, मिट्टी के नमी में कमी होना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मजा आ रहा है। चलिए अगला सवाल आपका है, मजा आ रहा है। वीडियो को एक छोटा सा क्या करिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या करिएगा, जितना हो सके उतना क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बाढ़ की एक प्रमुख कारण है, बाढ़ की एक प्रमुख कारण है, तो बाढ़ का कौन सा एक प्रमुख कारण है? कि वर्षा का कम होना, मतलब वर्षा, ये वो आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि वर्षा का अधिकता, वर्षा का न्यूनतम, बाढ़ का अधिकता। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्षा का कम होना, क्या याद रखना है? वर्षा का कम होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? आपको याद रखना है कि आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वह कौन कौन सा है, तो 3 चीज आता है इसमें। ठीक है, पहला आपका आएगा स्थानीय प्रशासन, क्या आएगा? स्थानीय प्रशासन। दूसरा आएगा स्वयंसेवी संगठन, क्या आएगा? स्वयंसेवी संगठन। तीसरा आएगा गांव मोहल्ले के लोग, मतलब कि आपदा का जो प्रबंधन होता है, मतलब आपदा को जो बचाव होता है वह 3, मतलब कि बहुत ऐसे तो बहुत चीज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? स्थानीय प्रशासन, मतलब आपकी जो स्थान अगल बगल की जो प्रशासन, मतलब क्या पुलिस जो होते हैं वह क्या कर सकते हैं, आपदा मतलब रोक सकते हैं। जैसे आतंकवाद कोई हो गया, कोई डकैती करता है, कोई चोरी करता है, तो इस सब को कौन रोकेगा? प्रशासन मतलब कौन? पुलिस रोकेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका स्वयंसेवी संगठन, तो आपका जो स्वयंसेवी संगठन बनाया जाता है 5, 10, 15, 20 आदमी का, वो सभी भी क्या कर सकते हैं? आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा है गांव मोहल्ले के लोग, तो आपके जो गांव मोहल्ले के लोग होते हैं वह भी आपदा प्रबंधन को क्या कर सकते हैं? आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं, मतलब उसका बचाव कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? पूछ रहा है कि आपदा के समय में कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपका ऑप्शन है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। क्या पूछ रहा है? मतलब अगला ऑप्शन है सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, सी नंबर ऑप्शन आपका है समय पर विदेश से धन की प्राप्ति ना होना, डी नंबर ऑप्शन है महामारी फैलना। क्या है? महामारी फैलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। तो इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल टावर होता है और ट्रांसमिशन जो मतलब टावर जो होता है वह टूट जाता है, जिससे आप संचार की व्यवस्था मतलब नहीं हो पाती है। संचार मतलब क्या होता है? तो संचार मतलब आपको बताए थे कि सूचनाओं का आदान प्रदान ही मतलब क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, तो सूचना क्या होता है? तो हम अभी आपको सूचना दे रहे हैं कि बाबू आपका एग्जाम 15 फरवरी से होने वाला है, पहला आपका हिंदी का एग्जाम होगा, तो अभी हम नेटवर्क के द्वारा सूचना पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं उसको नेट की सहायता से क्या करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, थकी थकी थक गई, थक जाते हैं बोलते बोलते। आप लोग लाइक कर दीजिएगा एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार निम्न में से कौन सा भूकंपीय पेटी में आता है? पूछ रहा है कि बिहार जो है वह निम्न में से कौन सा भूकंपीय पेटी में आता है? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, तो किसमें आता है आपका? बिहार। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जोन सी। क्या हो जाएगा? जोन 3 जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जोन 3 जो है वह आपका बिहार आता है, उसमें क्या आता है? बिहार भूकंपीय तरंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है?
क्या प्रश्न कर रहा है कि भूतल पर वह केंद्र जहां पर सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम भूकंप तरंग का अनुभव होता है उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बाबू क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। 27 नंबर आपका प्रश्न, मतलब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है। आपका ऑप्शंस है वलित पर्वत के क्षेत्र, क्या है, वलित पर्वत के क्षेत्र, उसके बाद अगला ऑप्शंस है भूपटलीय क्षेत्र, उसके बाद अगला है महासागरीय गर्त, उसके बाद कुछ अगला है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी जो क्षेत्र यहाँ पर बाढ़ और सुनामी का अधिकता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा भूकंप तरंग मापने का यंत्र है। तो आप लोगों को क्या बताएं कि भूकंप तरंग मापने का यंत्र कौन सा है, कौन सा है यंत्र, रिक्टर स्केल से हम क्या करते हैं भूकंप को मापते हैं। कितनी बार, मतलब दो तीन बार बता दिए होंगे, एक बार दो बार वीडियो में भी बताए थे और यहाँ पर भी बता रहे हैं, ठीक है, तो रिक्टर स्केल से हम क्या करते हैं भूकंप या सुनामी को मापते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यह वाला जो वीडियो है साइड में, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि आपदा प्रबंधन का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं बगल में, अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब पर चैनल पर पहले जाकर के यह वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, अभी मतलब ये जो वीडियो चल रहा है इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, तो मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने में मजा तभी आते हैं कि जब क्या होता है आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझ करके पढ़े होंगे, ठीक है, जब आप पहले से नहीं पढ़े होंगे तब आपसे कोई क्वेश्चंस कर दे लगता है कि माथा पर 12 बज जाता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि अभी हम जैसे क्वेश्चंस, मतलब हम अपना किताब नहीं पढ़े और कोई कह दिया है बताओ ये चीज क्या होता है, तो आपको माथा पर क्या होता है 12 बज जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छी तरीके से किताब को पहले मतलब पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये समझ गए कि भूकंप तरंग को मापने का कौन सा यंत्र होता है, तो रिक्टर स्केल होता है, कौन सा होता है, रिक्टर स्केल होता है। तो अब जो आपका मतलब आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया, ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तो क्या करेंगे, तो अगले वीडियो में हम अगले मतलब टॉपिक को लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपकी ओर से हमें सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।